नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्व द्वार बद्ध प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम को करने से पहले स्वच्छ और साफ वातावरण में पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने शरीर को सीधा और तान कर रखें, मन को शांत और शरीर को स्थिर करें। इसके बाद नाक के दोनों छिद्रों से वायु अंदर खींचें। वायु को तब तक अंदर खींचते रहें जब तक नाभि से कंठ तक वायु ना भर जाए। इसके बाद वायु को अंदर ही रोक कर रखें और दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। अपनी दोनों तर्जनी उंगली से आंखों को बंद करें। दोनों मध्यमा उंगली से नाक के दोनों छिद्रों को बंद करें और दोनों छोटी उंगली से होंठों को बंद करें। अब आप अपने ध्यान को मस्तिष्क शरीर को इस स्थिति में लाकर जितनी देर तक सांसों को रोकना संभव हो रोक कर रखें। फिर दोनों उंगलियों को नाक के छिद्रों से हटाकर वायु को बाहर छोड़ें। इस तरह इस क्रिया को प्रतिदिन करें और धीरे धीरे सांस को रोकने का समय बढ़ाने की कोशिश करें। आइए अब हम आपको बताते हैं इस प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आपको बार बार बुखार आने की परेशानी है, इसके निरंतर अभ्यास से दिव्य ज्योति प्रकट होती है और मन एकाग्र होकर धार्मिक विचारों की ओर भी लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी कई अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।